नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पोस्टल बैलेट विवाद में एक और कार्रवाई हुई है। तहसीलदार के बाद एसडीएम को भी सस्पेंड कर दिया है। हालांकि कांग्रेस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार ही काम हो रहा है। बालाघाट डाक मतपत्र वीडियो वायरल होने के मामले में कलेक्टर ने फिर कार्रवाई की। तहसीलदार के बाद एसडीएम पर गाज गिरी है। एसडीएम गोपाल सोनी को सस्पेंड कर दिया गया। एसडीएम की जगह डिप्टी कलेक्टर को निर्वाचन की जिम्मेदारी दी गई। उधर कांग्रेस कलेक्टर की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं दिखी और कलेक्टर को ही हटाने की मांग कर दी। कार्रवाई क्या हुई है? तो कार्रवाई करने की लीपापोती की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। मुझे आश्चर्य बात है, जो व्यक्ति मेन जिम्मेदार है, जिले का कलेक्टर जिम्मेदार है, उसके बिना चुनाव की प्रक्रिया पत्ता नहीं हिलता है। आप उससे ही कह रहे हैं कि जांच करो। हमने उनकी शिकायत की कलेक्टर की, कलेक्टर के कहने पर यहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, आप ऐसा कार्रवाई करें। उन्होंने जांच ही उनको दे दी। उन्होंने पहले एक पटवारी को, तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया, आज सुना है कि उन्होंने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। अरे खुद सस्पेंड किया है ये, उनको सस्पेंड होना चाहिए। जब ये नियम है कि गणना के एक दिन पहले ही पोस्टल वोट्स की गणना के लिए दूसरे जाएंगे स्ट्रांग को, तो कैसे खुले गए? डाक से आने का कोई प्रोविजन नहीं है, डाक से कोई मतपत्र नहीं आ रहे हैं। जो कह रहे हैं ना, छुट्टी का दिन था 27 तारीख को, उस दिन गुरु नानक जयंती छुट्टी थी, उस दिन ये छुट्टी के दिन खोल गए। ये कार्रवाई सिर्फ गौरीशंकर मिशन के सारे पे की गई है, उसे लाभ पहुंचाने के लिए की गई है, क्योंकि वहाँ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा और गौरीशंकर मिशन के 2 साल संबंध। उधर बीडी शर्मा ने बालाघाट मामले में कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार काम हुआ है और पूरे मामले में कमीशन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। देखिए, बालाघाट की घटना को लेकर के जब ये चीजें संज्ञान में आई थी, तब इस पर प्रशासनिक तंत्र ने तत्काल इस पर बातचीत हुई है, लेकिन नॉर्म्स के तहत ही वहाँ के प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसमें किसी प्रकार का कोई लैकुना नहीं था, न किसी प्रकार का कोई अलग प्रकार की मंशा थी। तो इलेक्शन कमीशन के निर्देशों पर ही जो भी लापरवाही हुई होगी, तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान में लिया है, और जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आकर के वो उसको अपने नजर में लेकर के उस पर कार्रवाई कर रहा है। पोस्टल बैलेट विवाद को लेकर बालाघाट कलेक्टर ने पहले भी सफाई दी थी। हालांकि कांग्रेस इस मामले को तूल दे रही है, कलेक्टर पर ही कार्रवाई की मांग कर रही है। ऐसे में चुनाव आयोग पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं दो विभागों में ठन गई है। जी हां, ग्वालियर में दो विभागों में ऐसी ठन गई, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। हालात बिजली कनेक्शन काटने से लेकर जेसीबी भेजने तक पहुंच गए। हालांकि बाद में मामले को सुलझा लिया गया। प्रशासन जब अपने पर आ जाए तो कार्रवाई का स्तर क्या हो सकता है, इसकी एक बानगी ग्वालियर में देखने को मिली, जहां बिजली विभाग और नगर निगम में ठन गई और ऐसी ठनी कि बिजली विभाग ने कनेक्शन काटकर अपना पावर दिखा दिया। दरअसल बिजली विभाग का नगर निगम पर 65 लाख का बिल बकाया है और भुगतान न होने पर विभाग ने निगम के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन काट दिया। उधर बिजली विभाग की कार्रवाई से नगर निगम आग बबूला हो गया है और निगम ने बिजली कंपनी के जीएम नितिन मांगलिक के घर जेसीबी भेज दी, वो भी देर रात। घर के बाहर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। हालांकि इस बीच सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन जोड़ दिया गया और पूरे विवाद पर ठंडा पानी डाला गया। लेकिन दो विभागों के बीच हुए इस विवाद पर लोग खूब चर्चाएं कर रहे हैं। पाकिस्तान में 5 महीना रहने के बाद अंजू अब भारत लौट आई है। उसने पाकिस्तान जाकर अपने सोशल मीडिया फ्रेंड नसरुल्ला से जुलाई में निकाह कर लिया था, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं, मैं हैप्पी हूं। पाकिस्तान पहुंचकर अपने दोस्त नसरुल्ला से शादी करने वाली अंजू भारत लौट आई हैं। वो राजस्थान के अलवर की रहने वाली हैं और करीब 5 महीने पहले अंजू पाकिस्तान तब गई थी जब भारत में सीमा हैदर का मामला छाया हुआ था। ऐसे में अब वतन वापसी के साथ अंजू एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्ला से निकाह किया था और अपना नाम फातिमा रख लिया था। सोशल मीडिया पर अंजू और नसरुल्ला के कई वीडियोस भी जमकर वायरल हुए थे। उन दिनों अंजू मीडिया की सुर्खियों में थीं
और उसकी शादी का वीडियो भी वायरल हुआ था। राजस्थान में अंजू के भारतीय पति अरविंद और उसके बच्चे उससे नाराज हैं। वहीं अन्य परिजनों ने अंजू की दूसरी शादी वाले कदम को गलत बताया था। ऐसा बताया गया है कि अंजू पहले नई दिल्ली जाएगी। आपको बताते चलें कि अंजू ने पहले भी लव मैरिज ही की थी और उसके बच्चे अभी अपने पिता अरविंद के साथ रह रहे हैं। अरविंद ने पहले ही कह दिया था कि वो अंजू को किसी भी सूरत में बच्चों से मिलने नहीं देंगे। लिहाजा माना जा रहा है कि अगर अंजू अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करती है तो विवाद की स्थिति बन सकती है। अरविंद ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अरविंद ने इस एफआईआर में अंजू के खिलाफ पाकिस्तान जाकर व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी देने का आरोप भी लगाया था। उसने प्राथमिकी में कहा था कि अंजू ने बिना तलाक दिए पाकिस्तान जाकर दूसरी शादी कर उसे धोखा दिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है, अंजू भारत में कब तक रुकेगी और पाकिस्तान कब लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो भोपाल से आ रही है। वीरा राणा को मिला सीएस का अतिरिक्त प्रभार, इस वक्त की बड़ी खबर। मौजूदा सीएस इकबाल सिंह बैस 30 नवंबर को हो रहे हैं रिटायर। ऐसे में 1988 बैच की वीरा राणा को ये अतिरिक्त प्रभार मिला है सीएस का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये हम आपको सुबह से ही लगातार बता रहे थे किस तरह से रेस में वीरा राणा का नाम आगे चल रहा था और अतिरिक्त प्रभार वीरा राणा को सौंपा गया है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कल इस खबर पर पुष्टि हो जाएगी, लेकिन आज ही देर शाम ये खबर सामने आ गई है कि वीरा राणा को अतिरिक्त प्रभार सीएस का सौंपा गया है। इकबाल सिंह बैस जो मौजूदा सीएस हैं वो कल 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में अब वीरा राणा को उनकी वरिष्ठता को तरजीह देते हुए उन्हें ये अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीरा राणा को सीएस का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मौजूदा सीएस इकबाल सिंह बैस कल रिटायर हो रहे हैं, कल उनके कार्यकाल का आखिरी दिन है और ऐसे में कई नाम इस रेस में आगे चल रहे थे कि कौन इकबाल सिंह बैस की जगह लेगा, लेकिन हम आपको सुबह से ही बता रहे थे किस तरह से रेस में ये नाम वीरा राणा का आगे चल रहा है और अब उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की खबर सामने आई है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, पहले भी इस बात पर आपके साथ चर्चा हुई थी कि क्यों वीरा राणा का नाम आगे निकल सकता है और अब अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की जानकारी मिल रही है, आपके पास क्या है पूरी खबर जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए राज्य शासन ने आज स्पष्ट आदेश जारी कर दिए, उन्हें अतिरिक्त चार्ज देकर सीएस बना दिया गया है। ये अतिरिक्त प्रभार इसलिए सौंपा गया क्योंकि ये बात हमने कही भी थी कि वीरा राणा जो है वो भी मार्च 2024 तक रिटायर हो जाएंगी। अभी क्योंकि चुनाव हुए हैं, 3 दिसंबर को नतीजे आना है, तो एक सारी प्रक्रिया भी विधिवत सरकार के गठन की बाकी है। तो चुनाव आयोग को जो ये नाम भेजे गए थे मध्यप्रदेश शासन की तरफ से, 3 केंद्रीय निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद शासन ने इसकी तैयारी ली थी। ऐसा माना जा रहा था कि कल इसकी घोषणा होगी, लेकिन आज देर शाम ही आदेश निकाल दिए गए हैं और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस कल रिटायर हो जाएंगे। कल एक अनौपचारिक कल कैबिनेट बैठक रखी गई, वह अनौपचारिक उनका विदाई समारोह होगा और उसके बाद वहीं पर वो वीरा राणा को चार्ज सौंप देंगे। तो वीरा राणा 1988 बैच की सबसे सीनियर मोस्ट अफसर थी, तो उनका नाम इसीलिए दौड़ में सबसे ज्यादा था क्योंकि वो सबसे सीनियर हैं और वो किसी भी तरह के ना तो कंट्रोवर्सी में थी। तो और उसके बाद ये निर्मला बुच के बाद दूसरी ऐसी सीएस होगी जिन्हें की प्रभार, जिन्हें मध्यप्रदेश में सीएस का काम सीएस बनाया गया है और चार्ज मिला है। तो निश्चित ही एक बड़ी क्योंकि वीरा राणा काफ़ी सीनियर मोस्ट रही है, सक्रिय भी रही है और एक अच्छी ईमानदार अफसर भी मानी जाती रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार आती है तो उसके बाद इस चार्ज को स्थायी किया जाता है या नहीं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक लगभग अब वो यहाँ पर ये चार्ज के रूप में ही सीएस का कारोबार संभालती रहेंगी। जरा बताए कि किस किस तरह का प्रशासनिक अनुभव रहा है, क्योंकि मोस्ट जो एक्सपीरियंस है आपने बताया, लेकिन प्रशासनिक अनुभव किस किस तरह का रहा है?
देखिए बिल्कुल, अभी वो माध्यमिक शिक्षा मंडल में चेयरमैन थी, इसके अलावा वो स्कूल शिक्षा विभाग हो और इसके अलावा जितने भी बड़े महकमे हैं गृह, वो सभी महकमे में कहीं ना कहीं प्रमुख सचिव के बतौर रही है। उनकी लंबी सेवा अवधि रही है, करीब 30 साल की सेवा अवधि हो चुकी है, तो एक लंबी सीनियर अफसर अवधि में उन्होंने सभी उन विभागों में काम किया जो कि मध्य प्रदेश में प्रमुख होते हैं और उन सभी विभागों में उनका कार्यकाल एक अच्छा माना जाता रहा है और इसी कारण वो बेदाग छवि के कारण ही उन्हें सीएस का चार्ज मिला है। तो उनकी छवि को देखते हुए और किसी और नाम को आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया ज्यादा अनुभवी भी हैं बाकी और नामों के मुकाबले, और कोई नया विवाद ना हो जाए इसीलिए लगता है कि ये एक सेफ चॉइस भी समझा गया। जी बिल्कुल, यही किया गया कि कोई भी, क्योंकि इसके अलावा जो भी अफसर को अगर किसी को बनाया जाता तो ये होता कि जूनियर अफसर को चार्ज दिया गया और शासन, राज्य शासन इस तरह की कोई भी अभी ये बात नहीं चाहता था कि कोई भी विपक्ष सवाल उठाए या ये बात उठे कि सीनियर अफसर को दरकिनार कर किसी जूनियर को या उनसे जो जूनियर है संजय उपाध्याय हो, अजय तिर्की हो, किसी को भी अगर बनाया जाता तो ये बात उठती कि इन्हें बनाकर वीरा राणा के साथ अनदेखी की गई, एक महिला अफसर के साथ अनदेखी की गई, तो सारे समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। दूसरा, वीरा राणा की जो छवि है उसका भी ध्यान रखकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शैलेंद्र, आप बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो शैलेंद्र, बड़ी खबर के बारे में शाम से ही शैलेंद्र से हम लगातार इनपुट हासिल कर रहे थे, किस तरह से वीरा राणा का नाम रेस में आगे चल रहा है, संजय बंदोपाध्याय, अजय तिर्की, ये तमाम और नाम भी थे, लेकिन क्योंकि सबसे सीनियर हैं वीरा राणा और इसीलिए उनके नाम पर ये मुहर लगाई गई कि उन्हें अतिरिक्त प्रभार सीएस का सौंपा गया है और मार्च 2024 में रिटायर भी हो रही हैं। और इससे पहले जो मौजूदा सीएस हैं वो इकबाल सिंह बैस, वो कल रिटायर हो रहे हैं और कल ही एक तरह से जो कैबिनेट की आखिरी बैठक भी बुलाई गई है उसी में अनौपचारिक फेयरवेल भी होगी इकबाल सिंह बैंस की, जिस तरह शैलेंद्र बता रहे थे, और वहीं पर ही वो चार्ज सौंप देंगे वीरा राणा को। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चीन में फैली बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सीएमएचओ ने अलर्ट जारी किया है, एम्स समेत सभी अस्पतालों को ये निर्देश जारी किए हैं, जहां बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आने पर निगरानी, कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के दिए निर्देश, डेटा को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चीन में जो नया वायरस फैला हुआ है, जो बीमारी फैली हुई है, उस पर भोपाल में भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है, तो डेटा को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। कोविड जो गाइडलाइंस है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो कराने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को सांस लेने में अगर दिक्कत कहीं आती है तो उन बच्चों को निगरानी में रखा जाएगा। अस्पताल, एम्स समेत सभी अस्पतालों को ये डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। सीएमएचओ ने अलर्ट जारी किया है भोपाल में फैली बीमारी को देखते हुए। इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने भी चीन से कहा था कि जो बीमारी उनके यहाँ अभी फैली हुई है उसको लेकर वो सही डेटा डब्ल्यूएचओ को उपलब्ध कराए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर आपको दिखाई दे रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। शैलेंद्र, जरा इस अलर्ट के बारे में बताएं। शैलेंद्र, सुन पा रहे हैं आप हमें? शैलेंद्र, तो लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ये जो अलर्ट जारी किया गया है उसके बारे में विस्तार से शैलेंद्र से हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं कि अस्पतालों को कहा गया है कि अगर कोई बच्चा ऐसा आता है जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, कोविड गाइडलाइन का पालन कराए जाने के निर्देश भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। और चीन में जो नई बीमारी ये फैली हुई है उसको देखते हुए भोपाल में भी सीएमएचओ ने ये अलर्ट जारी किया है, स्वास्थ्य विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है और अब भोपाल में भी इस अलर्ट का अस्पतालों में असर देखा जाएगा। एम्स समेत सभी अस्पतालों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि किस तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाना है, निर्देश दिए गए हैं खास तौर पर, और डेटा को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना है। शैलेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी। शैलेंद्र, बताएं इस अलर्ट के बारे में क्या कुछ कहा गया है गाइडलाइंस में? राज्य शासन ने
राज्य शासन ने अपने निर्देश जारी किए, सभी सीएमएचओ को अलर्ट कहा गया है, ये भेजा गया है कि बच्चों को किसी भी तरह के अगर सांस की बीमारी है या इस तरह के कोई भी लक्षण फैलते दिखाई देते हैं, जो कि चीन में जिस तरह की बीमारी फैली है, इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञों के लिए भी निर्देश जारी किए गए तो उन बच्चों की निगरानी की जाए। सभी सीएमएचओ को कहा गया कि एक अलग से पोर्टल पर, उनकी ऑनलाइन पोर्टल पर नजर रखी जाए, उनके नाम रिकॉर्ड दर्ज किए जाए और इस तरह की कोई भी गंभीर सांस लेने की अगर दिक्कत आती है बच्चों में या कोई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो कि चीन में फैली बीमारी है उसी तरीके के, तो उसको तत्काल रिकॉर्ड में लिया जाए, उसके बारे में राज्य शासन तक सूचना दी जाए। एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिस पर सारी निगरानी रखी जाएगी। सभी जिलों को अलर्ट किया गया है, मेडिकल कॉलेज को मैसेज दिए गए हैं, वहां मेल के अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी अगर ऐसी बीमारी की संभावना दिखती है या बच्चे में कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको रिकॉर्ड में लेकर शासन तक जानकारी पहुंचाई जाए, उसके बाद एहतियातन सभी कदम उठाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो चीन में रहस्यमयी बीमारी फैली है उसको लेकर अलर्ट किया गया है और सभी प्रशासन ने सभी जिलों सीएमएचओ को निर्देश देकर आगे कदम बढ़ाए रखने के लिए और एहतियातन इस तरह की गाइडलाइन भी दी गई है कि अगर कोई दवाई और इस तरह की अगर जरूरत लगती है तो उसकी भी सूची भेजी जाए ताकि हम दवाइयों का प्रबंध कर सकें। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस तस्वीर को देखिए जो हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर एक सवाल भी यहां पर उठता है कि क्या परंपरा जरूरी है। दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल में सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। यहां माता पिता खुद अपने नवजात बच्चों को पालने में डालकर नदी में छोड़ देते हैं। परंपरा के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। ये परंपरा और इस तरह की ऐसी परंपरा कई सालों से चलती आ रही है, तो क्या परंपरा के नाम पर यह खिलवाड़ नहीं? ये कैसी परंपरा, ये कैसा विश्वास? आस्था के नाम पर अंधविश्वास। दूध मुहे बच्चे को पिलाया दूषित पानी। परंपरा के नाम पर मनमानी। जरा रोते हुए इस बच्चे की चीख सुनिए। अब जरा इस दूषित पानी को भी देख लीजिए, जिसमें वो सब मिल जाएगा जो इसे दूषित कर रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि दूध मुहे बच्चे को यही दूषित पानी पिलाया जा रहा है। ये खिलवाड़ है एक नन्ही सी जान के साथ। क्या ये पाप है परंपरा के साथ? ये परंपरा बैतूल के भैंसदेही तहसील में पूर्णा मेले के दौरान निभाई जा रही है। दरअसल एमपी के बैतूल में सालों से एक अनोखी परंपरा चलती आ रही है। यहां माता पिता अपने बच्चे को पालने में डालकर नदी में छोड़ देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो इस मेले में आता है वो संतान होने की मन्नत मांगता है। जब संतान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसे पालने में डालकर नदी में छोड़ दिया जाता है। पालने का भाई अपनी मन्नत मांगते हैं वो, कि उन्हें कहा भाई संतान नहीं होंगी, ये संतान हो जाएगी, तो उन्हें कहा हम बच्चे को यहाँ पे पूर्णा माई की गोद में 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। हाँ, देखने में तो डर लगता है पर वैसा यानी आज तक कोई हादसा नहीं हुआ है और वैसी कोई दिक्कत नहीं है आज तक। इतना ही नहीं, बेटा बेटी एक समान के दावे भी यहाँ किताबी नजर आते हैं। यहाँ अधिकतर ऐसे लोग आते हैं जो संतान के रूप में बेटों की चाहत रखते हैं और मन्नतें मांगते हैं। अब इसे क्या कहा जाए, आस्था और कुरीतियों से भरा मेला जो हर साल पूर्णा नदी के तट पर एक महीने तक चलता है। एक साल पहले मन्नत मांगी थी कि हमारे घर बेटा आएगा तो हम आपके दरबार में यहाँ पालने में छोड़ेंगे आपकी गोद। अच्छा, आज आपकी मन्नत पूरी हुई? हाँ। कैसे पूजा करी आपने, क्या क्या किया है? हमने पालना बनाया, उसमें भैया को लिटाया, पूजा की और उसके बाद में नदी में पूर्णा मैया में छोड़ दी। तो जैसे
मैया, हम मैया बोलते हैं पूर्णा मैया को, तो पूर्णा मैया को ऐसे ही मैंने एक दिन बोल दिया, दो बेटियां हैं मेरी, तो मैंने कहा मैया एक भैया चाहिए, तो मैया ने वैसे गोदी भर दिया हमारी। ऐसी मान्यता है कि पालना छोड़ने से पूर्णा माई का आशीर्वाद मिलता है। इस परंपरा में एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ बच्चों की जान को खतरा। सदियों से ये परंपरा इसी तरह निभाई जा रही है। आज आधुनिक युग में जब बेटा बेटी एक समान है तो फिर पुत्र की कामना में मन्नत मांगना उन सारी सरकारी कोशिशों पर पानी फेरने जैसा है। जहां ये नारे लगाए जाते हैं कि बेटी है तो कल है, ये सब कुछ प्रशासन की आंखों के सामने हर साल होता है, लेकिन ना तो व्यवस्था सुधर रही है और ना ही लोगों की मानसिकता। न्यूज 18 के लिए ऋषु नायडी की रिपोर्ट। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या ऐसी परंपरा जरूरी है। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।